चैप्टर 13 देख रहे हैं क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी। अब जो पिछले क्लासेस में है हमने इसमें प्रोबेबिलिटी काफी देखी है और हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मेजर है अनसर्टेनिटी का, किसको इवेंट हो रहा है ये होगा कितना नहीं होगा। और एक एक्सियोमेटिक अप्रोच हमने देखी थी जो रशियन मैथमेटिशियन कोलमोगोरोव साहब ने बनाई, और इसको हमने एज अ प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन की तरह हमने ट्रीट किया एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कि एक्सपेरिमेंट कीजिए कितनी बार आता है कितनी बार नहीं आता, उसको हम डिसाइड कर सकते हैं किसी मैथमेटिकल या क्लासिकल थ्योरी से, क्या इक्वली लाइकली है क्या इक्वली नहीं लाइकली है। तो इस रिलेशनशिप से हमने अलग अलग एक सैम्पल स्पेस बनाया और कुछ रूल लगाए आपके प्रोबेबिलिटी के। इस चैप्टर में और या इस डिस्कशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये शब्द बहुत ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट का यदि कोई और इवेंट हो चुका है। ध्यान रखिएगा कुछ चीज का कोई चीज की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि पिछला कुछ हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर हम बेस थ्योरम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी यहाँ बेस थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन रूल देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी का और इंडिपेंडेंस देखेंगे इवेंट का, और फिर हम रैंडम वेरिएबल के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मीन देखेंगे, वेरिएंस देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्रीट डीपीएस डीपीडी मैं इसको कहूँ, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। हर जगह हम एक्सपेरिमेंट लेंगे और हर एक्सपेरिमेंट हम हमेशा मानेंगे कि इक्वली लाइकली है, अगर आपको नहीं बोला गया है तो इक्वली लाइकली लीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो भी हम अभी तक जानते हैं वो ये है कि एक इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, कितना हो सकता है। अगर आपके पास दो इवेंट है, कोई सैंपल स्पेस उठाइए, तो आप ये बता सकते हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। लेकिन ये चीज कि एक इवेंट हुआ क्या वो दूसरे को कैसे इफेक्ट करेगा, यानी कि एक इवेंट हुआ और दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है और एक की प्रोबेबिलिटी पे दूसरी की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ, तीन फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन का मतलब ये है कि हमेशा इसमें हेड या टेल ही आएगा। तो जो सैंपल स्पेस है उसका अगर आप तीन ले, दो की घात तीन उठाइए, कितने आठ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2^3 = 8, HHH इस तरीके से TTT पूरे कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। अब क्योंकि ये कॉइन्स फेयर है तो हम 1/8, क्योंकि कुल मिला के 8 है, ये HHH तीनों हेड कैसे आ सकते हैं, HHH ये 1/8 हर एक सैंपल पॉइंट के लिए। तो हम ये कह रहे हैं एक ई हमारा इवेंट है, एटलीस्ट टू हेड अपीयर, और एफ हमारा इवेंट है, फर्स्ट कॉइन शो टेल। ध्यान दीजिएगा ई आपका इवेंट है, एटलीस्ट टू हेड अपीयर, कम से कम दो हेड होने चाहिए, तो इसमें भी दो है, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, बाकी में नहीं, तो चार हो गई। एफ आपका इवेंट है, फर्स्ट कॉइन शो टेल, किसमें पहला टेल है, एक दो तीन और चार, इसमें भी चार आ गए। तो अगर हम देखें तो ये हमारा ई और एफ इस तरीके से बन गया जिसमें मैंने अभी आपको बताया, तो प्रोबेबिलिटी ई की क्या हुई, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, हर एक की 1/8 है, 1/8 1/8 1/8 1/8, अगर इस तरीके से लेंगे इसको चार मानेंगे, तो वैसे भी इसका अगर सैंपल स्पेस हम प्रोबेबिलिटी कैसे लेते हैं कि जितनी भी आउटपुट सैंपल स्पेस है कितनी भी हो सकती है, और जो हमारे फेवरेबल केस है, फेवरेबल केस यहाँ पर चार है, कुल मिला के हमारे पास आठ पॉसिबिलिटी है, तो 4/8, 1/8 1/8 को भी ऐड करेंगे तो 4/8 आएगा जो कि आधा है। दूसरे वाले का लेंगे तो सेम डिस्कशन के हिसाब से 1/8 1/8 1/8 1/8 हमारा कितना हो गया 1/2। अब देखिएगा ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, इन दोनों में कौन सा कॉमन, केवल आपका ये THH, ये वाला दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों ही तो कॉमन है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ THH। तो अगर हम प्रॉबर्टी ई इंटरसेक्शन एफ की लाएं तो एक ही इसमें हमारे पास फेवरेबल केस है, बाकी पॉसिबल केस कितने, 8 1/8 हो गया, ये 1/8 हो गया पी इंटरसेक्शन एफ। अब अगर आपको दिया गया कि पहला कॉइन टेल है यानी कि एफ हुआ, आपको ये बोला गया है कि एफ हो गया, तो आप क्या प्रोबेबिलिटी है ई के ऑकरेंस की, आप ध्यान दीजिए पहला हो गया तब ई की पॉसिबिलिटी क्या है,
तो अब हमारे पास, क्योंकि अभी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई कि एफ हो चुका है, राइट, यानी कि पहला जो कॉइन है वो टेल है, तो हम ये बिल्कुल श्योर है कि जिसमें पहला कॉइन आएगा, फर्स्ट कॉइन आएगा टेल। अब जो चीज, जो फर्स्ट कॉइन नहीं आएगा टेल, उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, राइट, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एक ही, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा जो सैंपल स्पेस है ना E का, वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो सक्सेस बन जाएगा आपका, राइट। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि पहला जो है वो T आ गया है, तो उससे हमने क्या किया कि जो आउटकम केवल फेवरेबल है जब E, जब F होगा, उसी को हम E में लेंगे। तो अब सैंपल स्पेस F का जो फेवरेबल है टू इवेंट E, वो क्या है, जब पहला T आया। आप देखिए, मैं दोबारा एफ पे ले जाता हूं आपको, एफ पहला टी आया, आपको ये क्या, आपको कहा जा रहा है कि एफ हुआ, पहला टी आया। अब जो पहला टी आया, अगर वो हम ई में ढूंढना चाहें तो कौन सा मिलेगा, चल यही तो मिलेगा, बाकी इसमें तो पहला टी नहीं आया, टी नहीं आया, टी नहीं आया। जब एफ हो चुका है तो ई के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, केवल हम इसी को तो लेंगे और तो बाकी सब चले जाएंगे, क्योंकि एफ हो चुका है, पहला टी आ चुका है, तो चल यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। तो अब प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, ई की, जब हम कंसिडर करें एफ हो चुका है, तो केवल 1/4 होगा, क्योंकि टी एच एच केवल दिया जाएगा। तो ई की प्रोबेबिलिटी अब चेंज हो गई, जो कि आपकी आधी थी 1/2, वो आपकी 1/4 हो गई। आप समझ गए, कुल मिला के 4 उसमें केसेस थे, और कुल मिला के जो एक आया, केवल एक ही टी एच एच ही आ सकता है, तो 1/4 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर एफ आपको बता दिया गया, तो 1/4 हो गई, क्योंकि अब केवल टी एच एच हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की, उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई की, अगर एफ ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि हम इसको लिखेंगे पी ई की, अगर एफ ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको पी ई बाय एफ लिखते हैं। तो पी ई बाय एफ क्या क्या देखा आपने इसमें, टी एच एच वाला 1/4 आया के लिए। अब देखिए, एलिमेंट जो एफ के है, जो फेवर कर रहे हैं ई को, वो कॉमन एलिमेंट्स है ई और एफ के। टी एच एच जो था वही तो कॉमन लिया आपने, क्योंकि और तो कोई कॉमन नहीं है, टी एच एच ही तो कॉमन है। तो आपने क्या किया कि ई और एच का जो इंटरसेक्शन है वही तो लेंगे, तो वो है ए इंटरसेक्शन है, दोनों का कॉमन चीज ही आपने ई इंटरसेक्शन है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो कंडीशनल प्रॉबिलिटी है ई की, अगर एफ हो चुका है, तो हम लिखेंगे पी ई बाय एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ, जितने भी ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर आएंगे, यानी कि अगर F की, F में कुछ हो चुका है, तो F E में वही लेंगे जो F हो चुका है, वो तो दिखा रहा हो, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन ही तो वैल्यू आएगी, इंटरसेक्शन हो गया, और फिर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट दैट आर फेवरेबल टू F, E by F में यहाँ पर जो फेवरेबल F के लिए है, यानी कि NF है। आप ये समझ गए ये कैसे आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम कई जगह यूज करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जितना भी सैंपल स्पेस है पूरे से डिवाइड कर दीजिए, इसको एन ए से डिवाइड कर दीजिए, इसको एन ए से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अभी ये एन है, अभी ये प्रोबेबिलिटी नहीं बनी, इसको प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए ऊपर नीचे एन ए से डिवाइड कर दीजिए, टोटल सैंपल स्पेस से। ये आपकी होगी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एफ। ये चीज आपका, ये जो फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है, ये तभी वैलिड होगा जब ये जो है जीरो ना हो, यानी कि एफ अगर एम्प्टी हुआ तो प्रोबेबिलिटी एफ आपका फाई आएगा, जो कि हमें मान्य नहीं, अमान्य। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम दोबारा डिफाइन करते हैं, यदि ई और एफ दो इवेंट है, किसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट ई की, यदि आपको ये बताया गया कि एफ हो चुका है, तो पी ई बाय एफ होगा, जिसको हम देंगे, अगर हम फॉर्मुलेशन के हिसाब से लिखें तो पी ई बाय एफ होगा पी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। प्रॉपर्टीज क्या होंगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, अगर ई और एफ आपके इवेंट है, सैंपल स्पेस एस है किसी एक्सपेरिमेंट का, मान लीजिए कि ये सैंपल स्पेस आपके कॉसिंग कॉइन का ही, टॉसिंग कॉइन का ही है, तो प्रॉपर्टी एक ये है कि पी एस बाय एफ जो सैंपल स्पेस है इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ जो एफ है इक्वल टू 1। इसको कैसे दिखाएंगे मैं आपको बताता हूँ। पी एस बाय एफ सैंपल स्पेस दे रहे हैं पूरा, पी एस बाय एफ क्या है, पी एस इंटरसेक्शन एफ, हमें हमने अभी भी देख लिया कि पी
ए बाय बी में होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, है ना, उसी को यहाँ लिख दिया। तो पी एस बाय एफ क्या होगा, पी एस इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, यानी कि पी ये क्या होता है, एस इंटरसेक्शन एफ, एस और एफ का इंटरसेक्शन केवल एफ ही तो आएगा, एस पूरा सैंपल स्पेस है, एफ इसका एक पार्ट है, तो एफ और एस का इंटरसेक्शन तो पी एफ ही आता है, दोनों को डिवाइड कर दिया बना जाएगा। और पी एफ बाय एफ क्या होता है, पी एफ इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, इसी से ले लिया हमने, और F का इंटरसेक्शन F से तो F ही आता है, ये दोनों वन आएंगे तो ये दोनों वन हो जाएंगे। प्रॉपर्टी दूसरी देखिए, यदि A और B दो आपके इवेंट है सैंपल स्पेस S में, और F कोई इवेंट है S का, F पी एफ जीरो नहीं है, तो पी ए यूनियन बी बाय F क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, A और B दो इवेंट है इसी सैंपल स्पेस में, और F कोई इवेंट है इस सैंपल स्पेस का, तो P इंटरसेक्शन A यूनियन B, A यूनियन B बाय F होगा, P A बाय F इसका F प्लस P B बाय F माइनस P A इंटरसेक्शन B बाय F, यूनियन का यहां पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये दोनों को अलग अलग लेंगे। अगर A और B डिसजॉइंट है तो A इंटरसेक्शन के B कितना हो जाएगा, जीरो, ये सीधा ये इन दोनों के बराबर आ जाएगा, ये हट जाएगा। तो P A यूनियन B बाय F को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा इसको देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम हमें पता पी ए ए और बी का हमने क्या लिया था, पी ए बाय बी क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन बाय पी एफ, ये हो गया। अब ये इसका इसको हम जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोल लेते हैं, ए इन बी इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन एफ और बी इंटरसेक्शन एफ, ये दोनों अलग 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 कर लीजिए, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, कैसे, ये दोनों को अलग अलग कर लेंगे, और साथ में ये जो चीज आई तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ये होता है ए इंटरसेक्शन एफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, हमने इस यूनियन को इस इंटरसेक्शन में तब्दील किया, तो ये दो आपके इंटरसेक्शन होंगे, ये भी इंटरसेक्शन होगा, ये आप ऑलरेडी सेट में देख चुके हैं, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, आप इनको अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, ये क्या होगा पी ए बाय एफ, ये क्या होगा पी बी बाय एफ, और ये क्या हुआ पी ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ, यही तो था, और ए और बी डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब पी ए यूनियन बी बाय एफ, यानी कि आप समझ रहे हैं ए बी ए यूनियन बी बाय एफ मतलब पी सिंपल ए बाय बी है, मतलब ए की प्रॉपर्टी यदि बी हो चुका हो तो पी ए यूनियन बी बाय एफ क्या होगा, पी ए बाय एफ प्लस पी बी बाय एफ, यदि ये जीरो होगा। एक और प्रॉपर्टी देखिए, PE कॉम्प्लीमेंट बाय F, F अगर हो चुका हो तो E के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वह है वन माइनस पी बी पी ई बाय एफ, जो क्लियर दिख रहा है, इसको प्रूव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी पे हमने क्या देखा, पी एस बाय एफ वन होता है, अब S क्या होता है, कोई भी एलिमेंट E, कोई भी इवेंट लीजिए E और उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, अगर उसका यूनियन करेंगे तो S आ जाता है, तो S की जगह E यूनियन E E कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, राइट, इन दोनों को अलग कर लेंगे, पी ई बाय एफ और पी ई बाय दिस ई डैश बाय एफ, पी ई बाय एफ पी ई डैश बाय एफ, ये यूनियन हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ई और ई डैश आपके डिजॉइंट सेट है, कभी भी एक्स और एक्स कॉम्प्लीमेंट एक जैसे नहीं होते, मतलब डिजॉइंट होते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले लीजिए, तो पी ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ होगा वन माइनस पी बाय ई बाय एफ। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अगर पी ए है पी बी ये है पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है तो पी ए बाय बी निकालना है, पी ए बाय बी सिंपल होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, इसको लीजिए और पी बी ये वाला इसको डिवाइड कर दीजिए, बस फोर बने आ जाएगा। अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, एक फैमिली के दो चाइल्ड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों लड़के हैं, अगर ये कहा गया कि कम से कम एक लड़का है, लड़कियां भी हो सकती हैं, तो इसका पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, हम बी कहते हैं बॉय के लिए, जी कहते हैं गर्ल के लिए, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पूरा टोटल बनाना है, बी बी जी बी बी जी और जी जी, बॉय बॉय गर्ल बॉय गर्ल और गर्ल गर्ल। अब ई और एफ हम इवेंट बना देते हैं, ई का इवेंट है, देखिए ई इवेंट हमको ई और एफ ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि ई पी ई बाय एफ आए, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज पी ई, इट इज बीइंग सेड यट इट इज बीइंग नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो पी ई बाय एफ निकालने के लिए ई ये बनाना पड़ेगा, एफ यहाँ बनाना पड़ेगा। अब इन दोनों के सैंपल स्पेस देखते हैं, ई का जो है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, कौन कौन सा इसमें, यही तो है,
और एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, तो इस ये एक दो तीन तीन हो जाएंगे इसमें, गर्ल गर्ल हटा देंगे, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, पी इंटरसेक्शन एफ, इसमें एक एक ही इंटरसेक्शन हुआ यानी वन है, तो प्रॉबर्टी एफ की क्या हुई इसकी, देखिए तीन है कुल मिला के, चार टोटल है तीन बटे चार, इसमें क्या है पी इंटरसेक्शन एफ की एक है कुल मिला के है चार, तो एक बटे चार, और पी ई बाय एफ क्या होता है, पी इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, एक बटे चार यहाँ रखिए, तीन बटे चार यहाँ रखिए, वन बाय थ्री आ जाएगा। टेन कार्ड नंबर 1 to 10 आर प्लेस इन अ बॉक्स मिक्सड अप थॉरली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक से लेकर 10 तक के कार्ड रखे हुए हैं, उनको मिक्स किया गया, उनमें से एक कार्ड निकाला गया। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, अगर ये हमें पता चल गया या हम जानते हैं कि जो नंबर है वो 3 से ज्यादा है, प्रॉबिलिटी क्या है कि वो इवन नंबर है, तो हमको इसका एक सेट बनाना पड़ेगा, इसका सेट देखना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, ये आपको इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट चूज करना है, अगर ये आपने चूज कर लिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले हैं सिंपल ना। देखिएगा ए आपका एक इवेंट है जो हमने कहा कि द नंबर ऑन द कार्ड इज इवन, ये आपका इवेंट इवेंट हो गया, हमको पी ए बाय बी निकालना है, यानी कि नंबर कार्ड इवन है ये अगर दिया गया है कि जो नंबर आया है वो 3 से बड़ा है, तो ए हमने माना नंबर जो कार्ड में है वो इवन है, बी हमने माना कि नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3, हमको पी ए बाई बी निकालना है कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज देयर, बी हैज हैपेंड। बहुत ध्यान से देखिए कि जो सैम्पल स्पेस है इसका वो 1 to 10 होगा, ये तो 1 to 10 है टोटल, ए क्या होगा, ए मतलब ये है कि ये जो कार्ड में इवन आएगा तो 2 से 2, 4, 6, 8, 10 यही आए, इनमें से उठा लीजिए, बी है 3 से ऊपर तो 4 से लेकर 10 तक आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए 4 से लेकर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, बस इतना ही है, तो 4 आ जाएगा। अब प्रॉबिलिटी निकाल लीजिए, ए की प्रॉबिलिटी कितनी है, ये 5 है, ये 10 है, 5 बटे 10, ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉबिलिटी क्या है, पी बी की भी निकाल लेते हैं, ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बटे 10, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी केवल 4 है, कुल मिला के सैंपल स्पेस से 10, ये 4 बटे 10, ये सारे आ गए, पी ए बाय बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, 4 बटे 10 यहाँ रखिए, पी बी को यहाँ रखिए, पी बी वाला 7 बटे 10 को यहाँ रखिए, 4 बटे 7 आएगा। एक स्कूल है जिसमें 1000 स्टूडेंट है, जिसमें 430 गर्ल्स हैं, हम ये जानते हैं कि 430 जो गर्ल्स हैं 10% गर्ल्स क्लास 12 में पढ़ती है, आपको प्रॉबिलिटी निकालना है कि जो स्टूडेंट हम रैंडमली चूज करेंगे या रैंडमली जो स्टडी कर रही हैं क्लास 12 में उसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है, अगर ये कहा कि जो चूजन स्टूडेंट है वो गर्ल है, जैसे बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, 1000 स्टूडेंट है 430 गर्ल है, तो 1000 को 430 से माइनस करिए, यानी कि 570 आपके बॉयज हो गए, पहली चीज़ तो ये होगी, राइट, 10% ऑफ द गर्ल स्टडी इन क्लास 12, तो 10% गर्ल, अब कुल मिला के आपके 430 गर्ल है, इसमें 10% निकालिए यानी कि 43 कहाँ पढ़ती है क्लास 12 से, आपको प्रॉबिलिटी निकालना है दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, यानी कि जो स्टूडेंट आपने चूज किया वो क्लास 12 में पढ़ता है या पढ़ती है, अगर आपने जो चूज किया वो स्टूडेंट गर्ल है, मतलब अब यहाँ पर पढ़ता नहीं होगा या पढ़ती ही होगा, अगर आपको ये बता दिया गया है कि आपने चूज किया गर्ल को और वो आपको पता है कि गर्ल आई है और वो आपको बताना है प्रॉबिलिटी कि वो क्लास 12 में पढ़ती है, तो क्या क्या बनेगा, पहले तो हम ई हम बनाएंगे एक ई और एफ इवेंट, ई इवेंट जो होगा वो होगा कि हमने ये इन दोनों में से ही बनाने पड़ेंगे कि जो स्टूडेंट हमने चूज किया वो स्टडी वो क्लास 12 में पढ़ता है, पहले तो ये हो गया। एफ हम निकालेंगे कि वो वाला इवेंट कि हमने जो चूज किया वो गर्ल है वो हमें दिया हुआ है, तो पी ई बाय एफ निकालेंगे, पी एफ क्या होगा, एफ हमने चूज किया रैंडम गर्ल, 430 गर्ल निकली, 1000 स्टूडेंट है, 430 बाय 1000 ये आपकी पी एफ होगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे आया, मैंने जैसे बताया आपकी 43 गर्ल्स है, 43 गर्ल्स है, तो 43 जो गर्ल्स होंगी जो 10% है वही तो क्लास 12 में पढ़ेंगी, तो इंटरसेक्शन 12 से क्लास 12 और 43 स्टूडेंट्स ही तो बनेंगी, 43 बाय 1000, ये आपका 0.043 आपका पी इंटरसेक्शन एफ आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए पी इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, ये आपकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी। A die is thrown 3 times. Event A and B are defined as below. एक die को 3 time आपने throw किया, A और B इस तरीके से defined है, A है 4 on the third row,
थर्ड थ्रो में चार आया, बी है सिक्स इन द फर्स्ट एंड फाइव ऑन द सेकेंड थ्रो, छह पहले में आया और पांच दूसरे में आया। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, आपको बी बोला गया है कि ऑलरेडी ऑकर्ड, बी ऑलरेडी ऑकर्ड हो गया, तो पी ए बाई बी निकालना है आपको, है ना। तो पी ए बाई बी के लिए आपको पे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और पी बी चाहिए। तो देखिएगा जो सैंपल स्पेस बनता है उसमें, क्योंकि तीन डाइज है, तीन डाइज को आप छह बार फेंक रहे, कुल मिला के कितने आउटकम्स आएंगे, तो कुल मिला के तीन डाई है और हर एक डाई इज थ्रोन, एक डाई को तीन बार फेंका गया, थ्री टाइम्स डाई इज थ्रोन, थ्री टाइम्स, एक दो तीन, तो छह आउटपुट आ सकते हैं, तीन टाइम किया तो छह थी 18, राइट। दो की घात आप ये इसको मान लीजिए कि जब एक डाई में छह आ सकते हैं और उसको तीन बार फेंका गया तो कैसे इसका सैंपल स्पेस बनेगा। तो सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, तीन बार फेंके गए ना, एक बार में छह आ सकता है, दूसरी बार में छह आ सकता है, तीसरी बार में छह आ सकता है, तो सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स कितना हो गया, 216। ये सारे आउटकम होंगे, 216 आउटकम हो गए आपके। अब देखिएगा कि जो बी है, बी इवेंट क्या है, बी है छह पहली बार आया, पांच दूसरी बार, ये सारे गिनने पड़ेंगे आपको। तो छह और पांच यहां ले लीजिए, बाकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। छह और पांच पहले फिक्स कर दीजिए, कितने हो गए आपके, छह हो गए इसमें, राइट। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए पूरा ये है और पूरा पूरा का पूरा ये जो भी आएगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो इसमें चार ऑन दी थर्ड रो, चार ऑन दी थर्ड थ्रो, तो इसमें कौन सा है, चार ऑन दी थर्ड थ्रो, यही तो है क्या, यही तो आया। तो कुल मिला के पी बी कितना हो गया, ये छह है और कुल मिला के 216 आपके ऑब्जर्वेशन थे, 6/126, ये केवल एक है तो ए पी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1/216, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी को पी बी से 1/6 आ जाएगा आपका। एक डाई को तीन दो बार फेंका गया, थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। डाई को फेंका गया और आपने देखा जो नंबर आया वो अगर ऐड करें तो 6 आ रहा है। आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो नंबर 4 आया है हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आया है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो ई और एफ मानिए, ई आपका इवेंट होगा कि नंबर 4 अपीयर्स एटलीस्ट वन, क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं अभी इसके लिए पहला हमको जरूरत होगी नंबर 4 अपीयर, कम से कम एक बार 4 आया है। एफ इवेंट हम बना रहे हैं ये वाला 6 वाला, द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग 6। तो अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो ई क्या आएगा, 4 एक बार कम से कम आए, तो 4 जी जी जो जो 4 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 एक भी लेंगे, एक 4 भी लेंगे, तो ये 4 मिला के आपके 6 बनेंगे और ये आपके 4 मिला के अलग से 6 बन जाएंगे और बेसिकली 11 बनेंगे, क्योंकि 4 एक ही होगा दोनों में, तो ये 6 और 6 इसमें 4 एक बार लेंगे तो 11 हो गए, कुल मिला के 11 हो गए। आप समझ रहे हैं किसमें, क्योंकि हर इसमें 4 आया हुआ है। अब एटलीस्ट वंस वाला हो गया हमारा केस। अब 6 नंबर अपीयरिंग सम 6 है, तो सम कौन कौन से है, 1, 5, 2, 4, 3, 4, 2, 5, 1, यही तो 6 हो सकते हैं, एफ हो गया। तो पी ई क्या हुआ, कुल मिला के अगर हमने दो बार फेंका तो 6 एक बार आ सकता है, 6 एक बार आ सकता है, कुल मिला के आपका 36 बनेगा। 36 कुल मिला के सैंपल स्पेस है, पी ई कितना होगा, ये कुल मिला के 11 है, 11/36 ये हो गया, ये कितने हैं 5, 5/36 ये हो गया। पी इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ, इन दोनों में इंटरसेक्शन लीजिए, इन दोनों में कौन से कॉमन है, केवल 2, 4 और 4, 2 ही कॉमन मिल रहे हैं आप, क्योंकि 4 उसमें है, तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, ये 2 आए, तो 2/36 आपका पी इंटरसेक्शन, मतलब पी इंटरसेक्शन एफ हो गया 2/36। पी बाय एफ निकालना है तो पी इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ 2/36/5/36/5 आ जाएगा। आपको एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप टॉस करें कॉइन को, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। आपके पास अगर ये एग्जांपल समझिएगा, आप यदि कॉइन के पास हेड आता है तो आपको इसको दोबारा थ्रो करना है, लेकिन अगर टेल आता है तब आप क्या करेंगे, आप डाई को थ्रो करेंगे। अब फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट दैट द डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। अब अगर इसको हेड किया तो जब हेड आया तो अगली बार हेड के बाद हेड आ सकता है, हेड के बाद टेल आ सकता है, ये तो खैर क्लियर हो गया ये वाला फर्स्ट वाला। अगर टेल आता है तो टेल के बाद डाई होता है, डाई फेंकेंगे तो 1, 2, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो जो आउटकम है इस एक्सपेरिमेंट का उसको हम डायग्रामेटिकली इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसे हम ट्री डायग्राम कहते हैं।
तो जो सैंपल स्पेस है एक्सपेरिमेंट का उसको हम कैसे बताएंगे, HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6 इस तरीके से बता देंगे। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। अब इसको ध्यान से देखिए कि जो हम HH डिनोट कर रहे हैं इसमें, जब दोनों आपके H आएंगे, और TI डिनोट कर रहे हैं, जो T मतलब टेल आना चाहिए, दूसरे में ये डाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो प्रोबेबिलिटी हम असाइन करेंगे इस 8 एलिमेंट्री इवेंट को वो क्या होगी, इसको ध्यान से देखिए किस तरीके से बन रहा है। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी हाफ हाफ हाफ। अब ये हाफ हो गई, इसका भी आधा, यानी 1/4, 1/4। ये आधा आया, इसका आधा का 1/6, क्योंकि जब आधा आ गया तो उसके बाद 1, 2, 3, 1, 2, 6 आने की प्रॉबिलिटी 1/6, 1/ इसकी 1/12, इसकी 1/12, सबकी 1/12। तो हम कैसे असाइन करेंगे, इसकी 1/4, इसकी 1/4, बाकी की 1/12। आप समझिए कैसे आया 1/4, 1/12। अब हम एफ इवेंट ले रहे हैं कि कम से कम एक टेल आए, ई इवेंट ले रहे हैं कि जो डाई है उसमें नंबर 4 से ज़्यादा आए। तो एफ हमारा इवेंट क्या होगा, जिसमें कम से कम एक टेल हो, तो सारे एक एक टेल वाले ले लीजिए, और इस हेड टेल में तो केवल एक बार टेल वाला आ रहा है, हेडेड वाला नहीं लेंगे। ई वाला जो इवेंट है वो हमारा कह रहा है कि डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा है, तो डाई में केवल 5 और 6 आएंगे, क्योंकि ये वाले तो आएंगे नहीं, क्योंकि नंबर 5, 4 से ज़्यादा है। इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लीजिए क्या है, ई और एफ में, केवल T5 T6 दोनों में ही है, तो T5 T6 आ जाएगा। तो प्रॉबिलिटी एफ की क्या होगी, इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी जान लीजिएगा, इसकी प्रॉबिलिटी प्लस इसकी प्रॉबिलिटी इन सबकी यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी 1/4 है, इसकी 1/4 है, इसकी बाकी सबकी 1/12 है, 3/4 आ जाएगी। पी इंटरसेक्शन एफ की क्या आएगी, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हम करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो T5 T6 है, तो T5 T6 के अलग ले लीजिए, इसकी भी 1/12 है, इसकी 1/12 है, 1/6 हो गया है, 1/12। अब बस पी इंटरसेक्शन ATP E/F निकालना है, इसका इंटरसेक्शन रखिए, PF रखिए, यानी कि 1/6/3/4, 2/9। तो ये प्रॉबिलिटी का हमने पहला पार्ट लिया, और बहुत कुछ बाकी है, अभी शुरुआत की है। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।